और मिनिमा निकालते हैं इसके दो तरीके होते हैं वो अगर मैक्सिमा मिनिमा अगर आपने निकाल लिया देन इट इज गोइंग टू बी इजी अगर मैं बात करूं हंड्रेड स्टूडेंट्स में सेवेंटी थ्री कॉफी मैक्सिमा निकालने के लिए नॉर्मली हम उसमें ओवरलैपिंग कम करते हैं बट इन दिस केस आई थिंक वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस ऐसा भी हो सकता है ये लैमिनेट करें डिफरेंस तो दिखें बिटवीन हु लाइक ऑल थ्री ऑल थ्री में फिफ्टी टू लैमिनेट जो है वो कॉफी करें लेमन है ये कॉफी है और एट्टी जो है वो टी करे मैक्सिमम जो तीनों करें दिस कैन बी फिफ्टी टू सो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी पॉसिबल इज फिफ्टी टू ठीक है हालांकि ओवरलैपिंग करके भी इसको कर सकते हैं इनको जीरो जीरो करके दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बट यू विल गेट की फिफ्टी टू इसमें मैक्सिमम लैमनेड है तो वही मैक्सिमम पॉसिबल है अब रही बात मिनिमम की मिनिमम के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट है उनको पता है कि इसका एक नॉर्मल तरीका होता है वो क्यों होता है वो भी

1, 5, 95. So, 100 में से 95 को माइनस कर दीजिए तो होगी मैक्सिमम के लिए आप ये देखिए कि मैक्सिमा कैसे निकाल सकते हैं ठीक है बिकॉज मैक्सिमम लैमिनेट है हो सकता है कि जो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं, वो सारे लैमिनेट भी पीते हो ठीक है इसमें मैक्सिमा रखते हैं और मिनिमा केस में हम क्या करते हैं ओवरलैपिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी आप हंड्रेड में से टोटल में से माइनस करिए इसे करिए इसे करिए उनको ऐड करके हंड्रेड में से एक बार फिर से माइनस कर दीजिए दैट्स मिनिमा सो इट इज एन ईजी क्वेश्चन अगर आपने सेट थियोरी ऑफ एंड किया है तो मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर प्रोपोर्शन if a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio one is to three, then the ratio of lemon and sugar. Can't I'm I'm really sorry, but it's again an easy question from mixture allegation. You have lemon juice, you have sugar in equal proportion. Man lo, ten ten liter hai. Ten liter ye hai, ten liter ye hai. ठीक है total कितना हो गया भाई? Twenty हो गया? अब वो कह रहा है ये जो नया mixture है वो कैसे create हो रहा है This mixture, मतलब ये mixture And sugar. In the ratio, is two, से ऑलरेडी टेन लेम है और टेन शुगर है ठीक है ना ये टेन लेम है टेन शुगर है इसमें हमने सिक्सटी शुगर और मिला दिया तो अब क्या हुआ लेमन और शुगर ये लिखे तो हो गए थे तो लेमन टेन बचा और शुगर टेन तो ये था लेमन जूस टू शुगर को लिया ताकि कुछ आगे दिक्कत ना हो, हो मतलब उससे जीरो से हैंडल करना आसान रहता है तो टोटल ट्वेंटी हो गया इस मिक्सचर को वन एस टू थ्री के रेशियो में मिला रहे हैं शुगर के साथ तो सिक्सटी लीटर शुगर और डाल दो तो दस तो इसमें पहले थी साठ हो डल गई तो सेवेंटी लीटर शुगर हो गई और टेन लेमन हो गया तो वन इज टू सेवन का रेशो आ गया विच इज बींग आस्ट इन द क्वेश्चन सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन